वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ चाह आ रहा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 6 का पार्ट 2। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो लास्ट चैप्टर में, लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे समंताज के बारे में, जो कि एक तरह के जमींदार ही होते थे जो फोर्टिफाइड पैलेस में रहते थे। तो आगे पढ़ते हैं। तो वो लोग टैक्स भी लगा देते थे हर तरह का, ट्रेजर पे, आर्टिसंस पे, या फिर किसी आर्टिकल पे भी जिसपे ट्रेड होता था। और कभी कभी क्या होता था कि वो लोग जो मंदिर बनवाए होते थे, लोकल टेम्पल, उसको ही अपना राइट दे देते थे कि तुम्हें लोग टैक्स कलेक्ट करके रखना, और बाद में वो लोग उनसे ले लेते थे। और ये सब कि कौन किससे कितना टैक्स लेगा या कितना कितना कैसे टैक्स लिखा जाएगा, ये सभी इंस्क्रिप्शन में लिखा होता था। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है 10th सेंचुरी राजस्थान का, कि किस किस चीज पे टैक्स लगता था। जैसे आप नीचे पढ़ सकते हैं, सुगर, जैगरी, कोकोनट, सॉल्ट, ये सब पे, ये सब काफी बेसिक आइटम्स है। यहाँ फिगर 3 पे आप देख सकते हैं वुड कार्वर है, जो कि एक आर्टिसन ये माना जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखे ट्रेजर्स, जो हर तरह के होते थे, बड़े छोटे, तो इनमें बंजारा, जिनके बारे में हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट थे। और काफी तरह तरह के ट्रेजर थे, जैसे स्पेशली हॉर्स ट्रेजर, ये लोग एसोसिएशन बना लेते थे, और इनका एक हेडमैन होता था जो कि एक तरह से आप लीडर मान सकते हैं। और वो सभी लोगों के लिए एक साथ बात करता था, कि जैसे कि वो अपने सभी वॉरियर के लिए, उसको घोड़ा खरीदना है तो वो एक ही आदमी बात करेगा, हेडमैन। और वो लोग कारवां में चलते थे ताकि खतरा ना हो किसी भी किंगडम से, किसी भी तरह का खतरा ना हो साथ रहने से, और उनका इंटरेस्ट भी बचता था। और ये लोग ग्लाइड्स में चलते थे, GULDS, आप यहाँ पढ़ सकते हैं नीचे। तो साउथ इंडिया में कुछ ऐसे फेमस ग्लाइड्स थे, जिनमें दो काफी प्रमुख हैं, मनी ग्राममम और नंदा देसी, ये दोनों काफी फेमस थे। और ये ग्लाइड एक तरह का एसोसिएशन ही होता था। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कुछ और कम्युनिटी भी थे, जैसे चेरितिराज और मारवाड़ी ओसवाल्स, तो आप यहाँ नीचे पढ़ सकते हैं। और इनके अलावा कुछ गुजराती ट्रेडर्स भी थे, इंक्लूडिंग हिंदू बनियाज, मुस्लिम बोहराज, और कुछ गुजराती ट्रेडर्स, हाँ। और इनके अलावा ये लोग रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, इन सभी के पोर्ट्स पे काफी ज्यादा ट्रेड करते थे। सबसे ज्यादा ट्रेड टेक्सटाइल और स्पाइसेस में होता था, जैसे आप अभी भी देख सकते हैं हिंदू बनियाज और गुजराती ट्रेडर्स काफी ज्यादा ट्रेड करते हैं पोर्ट्स और इनलाइन भी। फिर यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि गोल्ड और आइवरी जो था वो अफ्रीका से मंगाया जाता था टेक्सटाइल और स्पाइसेस बेचकर, और स्पाइसेस, टीन, चाइनीज ब्लू पॉटरी, सिल्वर, ये सब साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से आता था। फिर अगर हम लोग बात करें वेस्ट कोस्ट की, तो जितने भी पश्चिम के कोस्ट पे जितने भी शहर बसे हुए थे, उनमें अरब, पर्सियन, चाइनीज, ज्यूइश और सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स का बोलबाला था। और ये लोग रेड सी के पोर्ट से काफी ज्यादा कनेक्टेड थे, जिनसे ये लोग स्पाइस और क्लोथ का सबसे ज्यादा ट्रेड करते थे। और इटली में इटालियन ट्रेडर्स जो है वो लोग काफी ज्यादा वेरी हाई प्रॉफिट कमाते थे, और सबसे ज्यादा स्पाइसेस के कारण, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इसमें पेपर, सिनेमन, नगमेट, ड्राई जिंजर, ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था यूरोपियन कुकिंग का, तो इससे काफी ज्यादा प्रॉफिट होता था। एक्चुअली ये जो सर्कुलेशन होता था लोगों का और सामान का, इससे हम लोग का कल्चर भी पूरा मिक्स हो गया था वर्ल्ड कम्युनिटी का, स्पेशली यूरोप का और इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट का। अभी भी आप देख सकते हैं कि कुछ आपको सीरियन क्रिश्चियंस मिल जाएंगे केरल में, या पारसीज मिल जाएंगे गुजरात कोस्ट पे, या महाराष्ट्र कोस्ट पे गोवा में पोर्टुगीज मिल जाएंगे, तो ये सब उसी समय से है। काबुल, जो कि अभी प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है, वो पॉलिटिकली और कमर्शियली इंपॉर्टेंट बन गया था 16th सेंचुरी के बाद से ही। और ये सिल्क रूट का भी पार्ट था, काबुल और कांधार दोनों। और इसमें हॉर्स का ट्रेड जो है वो काफी फेमस हो गया था। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा, जीन बापिटिस्ट ट्रेवेलियर एक डायमंड मर्चेंट था, जो कि इसी रूट से काफी ज्यादा ट्रेवल करते थे। और उसके अलावा कैमल्स भी आते थे अफगानिस्तान से, ड्राई फ्रूट, डेट्स, कारपेट, सिल्क, और याद रखिए कुछ फ्रेश फ्रूट भी काबुल से आते थे हम लोग के सब कॉन्टिनेंट में, और स्लेव्स भी खरीदे जाते थे सेल के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं कि टाउन में क्या क्या तरह के क्राफ्ट होते थे। तो आप देख सकते हैं बिदार एक जगह था, वहाँ के जो क्राफ्ट पर्सन थे वो इतने ज्यादा फेमस हो गए कॉपर और सिल्वर के काम में कि उनके आर्ट को बिदरी कहा जाने लगा। और इस सबसे ज्यादा पांचालाज और विश्वकर्मा कम्युनिटी जो था, उनमें सबसे ज्यादा सुनार, लोहार और मैसन्स और कारपेंटर्स यानी बढ़ई और ये घर बनाने वाले, वो सभी इसी में आते थे, विश्वकर्मा कम्युनिटी और पांचाल कम्युनिटी में।
तो ये लोग काफी इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करने लगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टैंक, रिजर्वायर में, और वीवर कम्युनिटी में सालियार और कायको लाराज ये दोनों भी काफी अमीर बन गए। इतने अमीर कि डोनेशन देने लगे ये लोग टेम्पल्स को, और कई तरह के इंडिपेंडेंट क्राफ्ट उस समय और आगे बढ़ गए। कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग, डाइंग, ये सभी स्पेशलाइज हो गए। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक फिगर भी है, एक शॉल बॉर्डर की, और फिगर 5 जो है, फिगर 4 आप देख सकते हैं शॉल बॉर्डर, और फिगर 5 आप देख सकते हैं 17th सेंचुरी का कैंडल स्टैंड है जो कि ब्रास ब्लैक ओवरले का है, देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पे टाउन्स के किस्मत की बात की गई है कि कुछ टाउन्स तो काफी ज्यादा अमीर बन गए, जैसे अहमदाबाद गुजरात का जो आज तक काफी अमीर टाउन है, और तंजावुर जो साउथ इंडियन टाउन है वो थोड़ा श्रैंक कर गया इम्पोर्टेंस में भी और साइज में भी। और उसके बाद मुर्शिदाबाद जो वेस्ट बंगाल में है वो सिल्क का सेंटर बन गया था, और 1704 में मुर्शिद कुली खान ने उसे कैपिटल भी बना दिया था, और उस समय वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गया था पहले के मुकाबले। इसके बाद हम लोग हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मस्ट लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।